डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या की तरफ से प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र व वर्ष 2003 में सेना मेडल से सम्मानित विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन पंचायत चलवाड़ा निवासी रिटायर्ड कमांडेंट करतार सिंह सनोरिया को रिटायरमेंट के 23 साल उपरांत भी 19 असम राइफल द्वारा चलवाड़ा में पहुंचकर सम्मानित किया गया, जो कि पंचायत के लिए गर्व की बात है। 19 असम राइफल की तरफ से कर्नल मोहित वर्मा सहित अन्य रैंक सेनाधिकारियों द्वारा बुधवार को रिटायर्ड कमांडेंट करतार सिंह सनोरिया के घर में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया गया। आज भी सेना में उनकी बहादुरी को याद किया जाता है। सम्मानित होने के उपरांत रिटायर्ड कमांडेंट करतार सिंह सनोरिया ने कहा कि मुझे 19 असम राइफल द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर घर आकर सम्मानित करना मेरे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर हवलदार अश्विनी कुमार, हवलदार राजेश कुमार, जेसीओ जर्नैल सिंह, पूर्व प्रधान सुलक्षणा देवी, साहिल बाजवा, कुलवंत सिंह, प्रेम कुमार, सतीश कुमार, प्रियांशु इत्यादि मौजूद रहे। ये इस बटालियन में हमने 1999 में शौर्य चक्र लिया था एंड 2003 में सेना मेडल लिया था। तो बहादुरी के तकमों को देखते हुए इस बटालियन में जो गिफ्ट हैं ये रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में रखे थे, दोनों ने मुझे भेजे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं हवलदार अश्विनी कुमार, 19 असम राइफल गणतंत्र दिवस के मौके पर 19 असम राइफल या पूरे असम राइफल जो हमारे वीर बहादुर सेना मेडल शौर्य चक्र को संबोधित करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, इसलिए 19 असम राइफल ने अपने वीर योद्धाओं को संबोधित करने के लिए जो नहीं आ सकते हैं वहाँ पर उनको गिफ्ट अपनी ओर से भेंट किया हुआ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। एनएचपीसी चंबा की ओर से सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।